आदाब नजरी में मुजम्मिल हुसैन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। अभी अभी आरजेडी कार्यालय में डॉक्टर मनोज कुमार झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने सत्ता पक्ष पे बहुत ही गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। उनका कहना है कि एक टेलीफोन नंबर बताया है, उन्होंने जारी किया है, जो नंबर उन्होंने बताया 0612 जो पटना का कोड है, और 2217222 ये एक नंबर है जिसको आप डायल करेंगे तो उसमें तेजस्वी यादव का नाम आएगा। और उनका कहना है कि ये नंबर 2017 में रावड़ी आवास से डिसकनेक्ट हो गया था, हटा दिया गया था। उसके बाद जो है ये नंबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गया, वहाँ से भी 2018 में ये नंबर डिसकनेक्ट हो गया। अभी ये नंबर कहाँ है इसका पता नहीं है, लेकिन इस नंबर से कभी कभी कॉल होता है, और किनको कॉल होता है, जो आरजेडी में टिकट के दावेदार हैं उनको कॉल किया जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं और कहाँ लेकर के आना है वो रूट बताया जाता है। और ये सारे इल्ज़ाम जो है मनोज कुमार ने सत्ता पक्ष पे लगाया है, लेकिन ट्रू कॉलर पे तेजस्वी यादव का नाम आता है। आरजेडी आवास से ये नंबर 2017 में हट चुका था, तब से ये उनके ऑफिस में नहीं है ये नंबर, लेकिन ये नंबर कभी कभी मनोज कुमार झा का कहना है कि कॉल होता है। जैसे इसी महीने में 2-3 कॉल हुए कुछ लोगों का है, को पैसे लेकर के बुलाया गया जो आरजेडी में टिकट के दावेदार हैं। तो इस तरह की घिनौनी खेल खेल रही है नीतीश सरकार और बीजेपी की सरकार, जो एनडीए गठबंधन है बिहार में। ये मनोज झा का इल्ज़ाम था, इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, सत्ता आएगी और जाएगी, लेकिन इस तरह से बिहार के जनता को भ्रमित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही मैं बता दूं कि कुछ इनसे भी जोड़ करके देखा जा रहा है, पूर्णिया में शक्ति मलिक की जो हत्या हुई है उनको भी ध्यान में जोड़ा जा रहा है कि शक्ति मलिक की हत्या, जैसे तेजस्वी पर यादव तेज प्रताप पर इसका इल्ज़ाम लगाया है उनके परिवार वालों ने, तो इसको भी देखा जा रहा है कि जब ये नंबर कभी कभी एक्टिव होता है और वर्क करता है, जब इस नंबर से फिरौती मांगा जा रहा है तो हो सकता है कि इस नंबर से वो भी लिंक मिले और उसको भी खंगाला जाए। मनोज कुमार ने कहा है कि पुलिस आपकी है, सत्ता आपकी है, आप जांच कराएं, लेकिन इस तरह का खेल ना खेलें जिससे बिहार की जनता भ्रमित हो।